नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एक अपडेट है AD 47 से संबंधित, UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, क्या पूरा अपडेट देख लेते हैं। ये कार्यालय शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा जारी आवश्यक सूचना और 29 अक्टूबर की डेट है। इसमें NIC लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 47 के समाजशास्त्र, अंग्रेजी, हिंदी, सामान्य वर्ग, शिक्षा शास्त्र सामान्य वर्ग विषय के अतिरिक्त सूची यानी प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन आसन व्यवस्था की समय सारणी निम्नवत है। क्या है तो देख लीजिए, NIC लखनऊ द्वारा सॉफ्टवेयर हस्तांतरित करने की तिथि 28 अक्टूबर 2021 थी। उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा डेटा फिटिंग लॉक करने की तिथि जो है 29 अक्टूबर 2021 थी। अभ्यर्थियों द्वारा डेटा सबमिट और लॉक करने की तिथि जो है 30 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर 2021 तक है। तो जो अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में, वो अपना जो उनको डेटा सबमिट करना है उसको आप सबमिट कर सकते हैं। और डाटा प्रोसेसिंग एवं परिणाम घोषित करने की अंतिम तिथि है 2 नवंबर 2021। अतः ऑनलाइन काउंसलिंग कराने हेतु उक्त समय सारणी के अनुसार दिए गए विषयों के चयनित अभ्यर्थी अपनी आसन व्यवस्था हेतु महाविद्यालय के चयन के लिए विकल्प पत्र ऑनलाइन वेबसाइट, और वेबसाइट कौन सी है देख लीजिए, HIED UP.UPSDC.GOV.IN पर वरीयता क्रम के अनुसार लॉक करें। ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु दिशा निर्देश उपरोक्त उल्लिखित वेबसाइट पर प्रदर्शित हैं। यह संबंधित अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि को काउंसलिंग में प्रतिभाग न किए जाने पर उन्हें महाविद्यालय का आवंटन प्राप्त नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में भविष्य में उनके द्वारा किए जाने वाले किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार्य नहीं होगा। उपर्युक्त समय सारणी अपरिहार्य परिस्थितियों में परिवर्तित भी की जा सकती है। और ये पूरी सूचना है, तो अगर आपका भी नाम वेटिंग लिस्ट में है और अभी तक आपने अपना डेटा फिट नहीं किया है तो आप अपना डेटा जो है दी गई वेबसाइट पर विजिट करके फिट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।